हेलो एवरीवन, खुद से जीतने वाले को मेरा सलाम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इस पूरे क्लास में आपको इस पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में हम पहले सीखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, हमारा जो एक एम होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का जो भी एम होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो भी गोल सेट करते हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, कैसे, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सो इन दोनों वर्ड के बारे में हमें अच्छी तरीके से जानना होगा कि ये इफ़ेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है। देखो, इफ़ेक्टिवनेस वो होता है कि दिए गए टारगेट के अंदर आपको काम कंप्लीट करना है, ठीक है, डेडलाइन जो भी होगा उसके अंदर आपको काम कंप्लीट करना है। उससे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसका रेट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको बस अपने डेडलाइन उस पे फोकस है और आप उसके अंदर ही कंप्लीट कर रहे हो। सपोज़ मान लो कि आपको 10,000 मोबाइल फ़ोन्स प्रोडक्शन करने के लिए दिया गया और आपको टाइम दिया गया है सिर्फ 30 डेज, राइट। सो 30 डेज के अंदर आपको प्रोडक्शन कंप्लीट करने हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके पास जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ये 10,000 प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या किया, बाहर से कुछ और एम्प्लॉयज़ लेके आ गए और उनके साथ मिलके आपने प्रोडक्शन किया और फाइनली आपको पता चला कि आपने 30 डेज के अंदर 10,000 मोबाइल फ़ोन्स प्रोडक्शन कर लिए। अब दिए गए टाइम पे आपने प्रोडक्शन और दिए गए टारगेट भी जो था, टाइम, यह है टाइम और यह है टारगेट, दोनों ही आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने बाहर से एम्प्लॉयज़ लेके आए थे, राइट, ताकि प्रोडक्शन करने में वो भी हेल्प कर सके, तो उनको भी तो पैसे देने पड़े, तो एक्स्ट्रा पैसे गए, राइट, तो एक्स्ट्रा पैसे देने की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ, तो आप वो प्रोडक्शन कॉस्ट में एड ऑन कर देंगे। इससे होगा क्या, जो मोबाइल फ़ोन्स का जो रेट था नॉर्मल रेट उससे थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो उनका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्राइस थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले मैटर में आपने सिर्फ टारगेट, जो टाइम और प्रोडक्शन क्वांटिटी था, उस पर ध्यान दिया, लेकिन कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया। तो आपने इफ़ेक्टिवनेस तो मेंटेन किया, लेकिन एफिशिएंसी मेंटेन नहीं किया, क्लियर। सो एक और वर्ड आपको देखने को मिलता है, वो क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है एफिशिएंटली, ठीक है। सो एफिशिएंटली में हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, जो भी रॉ मटेरियल होगा, जो भी रॉ मटेरियल होगा उस पे फुल फोकस होगा कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और जो कॉस्ट होगा उसको कम से कम करना है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना है। तो हमने ये सीखा कि इफ़ेक्टिवनेस में हम क्या करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस में हम ये करते हैं कि दिए गए टारगेट, जो भी डेट, डे या फिर टाइम, मीन्स टाइम और प्रोडक्शन क्वांटिटी होगा वो कंप्लीट करते हैं, और एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और मिनिमम कॉस्ट पे फोकस करते हैं। तो
मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए हमें इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ेगा, और वो भी बैलेंस वे में। ठीक है, कोई एक होने से और दूसरा ना होने से काम नहीं होगा, दोनों को ही होना पड़ेगा, वो भी बैलेंस वे में। क्लियर? नाउ यू कैन सी यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डायनामिक, इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल एंड ग्रुप एक्टिविटी। सो ये सब क्या है? ये सब है नेचर। ठीक है, सो इन सब को हम क्या कहेंगे? इन सब को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें देखने को मिलता है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज डायनामिक, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल एंड ग्रुप एक्टिविटी। ये 6 पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं। हम इनके डिस्कशंस करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड क्यों बताया जा रहा है? मैनेजमेंट हमेशा गोल पे ही फोकस करता है। पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट का जो गोल है उसमें फोकस करना ही मैनेजमेंट का काम है। उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे काम को डिज़ाइन करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो मैनेजमेंट को हमेशा गोल ओरिएंटेड ही होना पड़ता है। क्लियर? फिर बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। डायनामिक वर्ड का मीनिंग ये है कि जो भी एनवायरनमेंट होगा, सिचुएशन होगा, उस हिसाब से अपने आप को बदल देना। तो मैनेजमेंट भी वही सिखाता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी एनवायरनमेंट या फिर सिचुएशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से वो अपने आप को बदल देंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक रेस्टोरेंट ओपन किया गया है। ठीक है, क्या ओपन किया गया है? एक रेस्टोरेंट ओपन किया गया है जिसमें नॉर्मली जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो सारे फूड आइटम्स मिल रहे थे, तो वो अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा था। अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद एक और ओपन हो गया, वहाँ पर नज़दीकी एरिया में एक और रेस्टोरेंट ओपन हो गया, और वो क्या कर रहा है, वो उस पहले वाले रेस्टोरेंट में जो भी मिलता था वो सब तो अपने यहाँ अवेलेबल करवा रहा है, साथ ही साथ न्यू फूड आइटम्स एक दो या फिर तीन चार और अवेलेबल करवा रहा है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर्स वहाँ पहले के यहाँ नहीं जाएंगे, और दूसरा जो न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है वहाँ ज़्यादा फूड आइटम्स अवेलेबिलिटी होने के कारण वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि पुराने वाले सारे आइटम्स तो मिल ही रहे थे, साथ ही साथ न्यू आइटम्स भी यहाँ पर मिल रहे थे, तो सारे के सारे कस्टमर्स वहाँ जाना शुरू कर देंगे। तो इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में, बदलते हुए सिचुएशन में, अब पुराने वाले रेस्टोरेंट को अपने आप को बचा के रखना है तो वो क्या करेगा? वो अपने ही मेनू कार्ड में वो जो न्यू फूड आइटम्स है उनको भी इंक्लूड करेगा, ताकि कस्टमर्स उसके यहाँ भी जाते रहे। ठीक है, तो उसने अपने आप को, अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गया था। तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, वही है डायनामिक। क्लियर? सो मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो एक डायनामिक है। फिर बात करते हैं इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये दो वर्ड हमने क्लास 11 में ही सीख लिए थे। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेंजिबल मतलब आप जिसको नहीं देख सकते, ठीक है, टच भी नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, ये दिखाई तो नहीं देता, इसको आप टच भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है।
लेकिन मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट जो है उसको हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, सपोज़ आप अपने ही स्कूल के बारे में सोच सकते हैं। तो स्कूल में अगर मैनेजमेंट सही तरीके से चले तो आपके असेंबली टाइम पर होते रहेंगे, आपके क्लासेस भी टाइम पे होते रहेंगे, आपके एग्ज़ाम्स टाइम पे होते रहेंगे, ठीक है। एक क्लास के बाद दूसरा जो क्लास होगा वो सीक्वेंस में होता रहेगा, सही टीचर सही समय पे तुम्हारे क्लास में प्रेजेंट होंगे। तो और भी जितने भी सारे कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, उन सारे एक्टिविटीज़ को सही सही तरीके से मेंटेन किया जा सकता है अगर वहाँ पर सही तरीके से मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो। अब अगर सही तरीके से मैनेजमेंट ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो उस स्कूल में क्या हो जाएगा? कुछ भी सही तरीके से नहीं होगा। टाइम पे असेंबली नहीं होगा, टाइम पे बच्चे भी नहीं आएंगे, टाइम पे क्लासेस भी शुरू नहीं होंगे, एक के बाद दूसरा क्लास भी नहीं होगा, जब जिसका मन करेगा कहीं भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट होगा तभी सही से हम मेंटेन कर पाएंगे, और मैनेजमेंट नहीं होगा तो मेंटेन भी नहीं होगा। क्लियर? सो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑल परवेसिव। ठीक है, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल एंड ग्रुप एक्टिविटी। इसमें से 6 नंबर जो पॉइंट है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको मालूम ही है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों ग्रुप एक्टिविटी है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में कोई एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होंगे उनको अचीव करने के लिए सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ मिलके गोल के लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाके एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा, राइट। इस हिसाब से मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर 4, ऑल परवेसिव का मीनिंग। ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्यों? इस वर्ड का मीनिंग ये है कि चाहे वो बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो, ठीक है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस। क्योंकि हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये यूनिवर्सल है, राइट। यूनिवर्सल है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। जैसे कि आपने कभी कभार अपने घर में या कहीं और यूनिवर्सल रिमोट देखा होगा, राइट। यूनिवर्सल रिमोट के साथ हम क्या कर सकते हैं? इस रिमोट के साथ हम जितने भी सारे चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल होंगे जो कि रिमोट से चलते हैं, उन सारे चीज़ों को एक ही रिमोट से चला सकते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सल रिमोट। जैसे कि आप एक ही रिमोट से एसी को चला सकते हैं, फिर कुछ फ़ैन भी चलते हैं रिमोट से, आपके टीवी को भी चला सकते हैं, होम थिएटर को भी चला सकते हैं, ठीक है। और भी जितने सारे चीज़ें अवेलेबल होंगे आपके घर में जो रिमोट से चलते हैं, उन सारे चीज़ों को आप यूनिवर्सल रिमोट से चला सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्सल रिमोट फिज़िकल फॉर्म में भी ख़रीदने को मिल जाता है, और आजकल तो प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। एक ऐप है यूनिवर्सल रिमोट, उससे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग हुआ वो एक ही चीज़ आप अलग अलग चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम वे में ये मैनेजमेंट जो है ये भी यूनिवर्सल है, राइट। इसको भी आप किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। दैट हम मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कह रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। अब डायमेंशन वर्ड तो आपने पहले से ही सुन के रखा होगा, 2D, 3D, दैट मीन्स 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन।
कुछ हद तक उसी हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो बेसिकली थ्री मेन फैक्ट या फिर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करता है। कौन से? पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस। ठीक है, पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट पीपल को मैनेज करने के लिए भी काम आता है, मैनेजमेंट वर्क को मैनेज करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, कभी कभार हमें लोगों को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि एम्प्लॉयज, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स जो भी रहेंगे उनको मैनेज करने के लिए काम करता है। कभी कभार मैनेजर को काम को मैनेज करने के लिए भी काम करना पड़ता है, दैट मीन्स बहुत सारे काम हो गए उनको भी मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट वर्क को मैनेज करने के लिए भी काम आता है। फिर है ऑपरेशंस, डे टू डे बेसिस में जो भी ऑपरेशंस होंगे उनको मैनेज करने के लिए भी काम आता है, राइट? सो पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस, ये थ्री मेन एक्टिविटीज़ के ऊपर मैनेजमेंट फोकस करता है। सो दैट हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसी के साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में जो 6 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए थे उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया। अब आगे बढ़ेंगे और ये पॉइंट्स दोबारा हमको मिलेंगे, हम उसमें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको तीन चीज़ें नज़र आ रहे हैं, एक है प्रोसेस, दूसरा है एफिशिएंसी जो कि मैंने आपको बताया था जो कॉस्ट के ऊपर मेन फोकस करता है, उसका दो ही काम है, एक है रॉ मटेरियल्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, जितना हो सके उतना मिनिमम करना है। ठीक है, सो मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, यही काम है किसका? एफिशिएंसी का। नेक्स्ट हम देखते हैं वह है इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्या है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस हमेशा फोकस करता है टाइम पे, किस पे फोकस करता है? टाइम पे, दिए गए समय के अंदर टास्क कंप्लीट करना है, बस यही लक्ष्य है इफेक्टिवनेस का। क्लियर? सो हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमें तीन चीज़ें मिले, वो क्या है? वो है प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आई रिपीट, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये तीन चीज़ें हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? सो आज का डिस्कशन यहीं तक ही रखते हैं, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के डिस्कशंस के साथ। मैं ऐसे ही काम की चीज़ें लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। दिस इज़ मिस्टर सुप्रिया साइनिंग ऑफ।